नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने चुनावी वादों की बौछार कर दी है। राहुल गांधी ने जो 8 चुनावी वादे किए हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि सरकार बनने पर 500 रुपए में सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस के 8 चुनावी वचन की अगर बात करें तो युवाओं को 10 लाख नौकरियों का वादा और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में, वही बिजली 300 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। कांग्रेस ने किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। वही पीजी तक लड़कियों को मुफ्त एजुकेशन और राज्य में 3,000 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। चुनावी वचन में कांग्रेस ने कहा, कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं आधुनिक सुविधा से लैस नए सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भोजन की गारंटी दी गई है। वहीं ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है। बता दें कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर का सुझाव एवं विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लगातार छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।